हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वेल्स मेनिया में। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो मार्केट में सडनली इतना बड़ा डंप आया, क्यों आया, क्या रीजन था, और इसमें हम ऐसे कौन से कॉइन हैं जो हम इसमें पिक कर सकते हैं इजीली, जो हमें आने वाले मंथ में अच्छा बेनिफिट दे सके। तो मैं आपको बता दूं, जो वीडियो होने वाली है इस पर्पज से होने वाली है, दिसंबर मंथ में अप टू एक्स प्रॉफिट इजीली कौन से कॉइन में जनरेट कर सकते हो, और 2022 में जो जैसा कि आप मेरा थंबनेल देख सकते हो, जैसे उसमें लिखा हुआ कि सिर्फ एक महीना बाकी है आपके 2022 आने में, और 2022 में आप बन सकते हैं मालामाल। तो उसमें जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि मैं उसके हिसाब से आपको ऐसे कॉइन बताऊंगा जो 2022 में आपको सच में वाकई मालामाल कर देंगे। ऐसे कौन से कॉइन है मैं आपको बताता हूँ। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नया चैनल है तो इतना कोई होता नहीं है। बट आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब्सक्राइब करके जाएं, अपनी फैमिली वालों के फोन से सब्सक्राइब करें, किसी के भी बड़े भाई के, बहन के, मम्मी के, पापा के, किसी की आईडी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, बस आपका सपोर्ट बन जाता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरे चैनल को बढ़ावा दे रहे हो। तो ये चलते हैं हम स्क्रीन की साइड और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो कॉइन बताऊंगा जो शॉर्ट टर्म है आपको दिसंबर मंथ में अच्छा प्रॉफिट देंगे, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इंडिया में अगर जैसे कि जो हमारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, बायनेंस वगैरह, ये जो बैन होने वाले थे, जो ऐसे बिटमार्ट है, बायनेंस है, एफटीएक्स है, ये जो भी बैन होने की न्यूज आ रही है, अगर ये बैन हो जाते हैं तो इंडिया के नेटिव एक्सचेंज के नेटिव टोकन कौन कौन से एक्सचेंज है जो कि हार्डली पम्प कर सकते हैं। जैसे भी न्यूज बैन का न्यूज आया था तो WRX ने 50% का अप्रोक्स पंप लिया था, ऐसे ही और भी कोई ना जो इजिली 2X का पंप ले सकते हैं जब ऐसा आएगा सिर्फ एक ही दिन में। तो आइए हम जानते हैं पहले अपने दिसंबर मंथ के कॉइन्स को, फिर उनके इंडियन कॉइन्स कौन से होंगे, फिर जो हमारे 2022 में ऐसे 5 से 10 कॉइन कौन से होंगे जो हमें इजीली मालामाल कर देंगे, मतलब 10x से 100x। तो बने रहिए मेरे क्रिप्टो वेल्स मेनिया चैनल के साथ, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर ज्यादा करें। आइए तो हम चलते हैं स्क्रीन। तो गाइज अब हम आ गए अपने फोन स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे कौन से होंगे जो शॉर्ट टर्म में हमारे दिसंबर में इजीली 50% to 100% का प्रॉफिट देके जाएंगे, मतलब इजीली 2x तक का बेनिफिट दे सकते हैं। तो इसमें हमारे जो कॉइन होंगे वो हमारे मेटावर्स से रिलेटेड होंगे और हमारे Web 3.0 से रिलेटेड कॉइन्स होंगे, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। हमारा जो सबसे पहला कॉइन होगा उसका नाम होगा, जैसा मैंने टेलीग्राम पे भी दिया हुआ था, सैंड। सैंड कॉइन्स दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मेटावर्स का नंबर वन सेकेंड कॉइन्स में आता है, नंबर जो टॉप 5 है उनमें सेकेंड नंबर पे आता है ये। आप देखेंगे कि अभी ये 11% डाउन पे चल रहा है, इवन जो ये ट्रेड कर रहा था $7 के अप्रोक्स, 6.5 के अप्रोक्स, उसी डंप में ये हमें $4.5 तक का डाउन देखने को मिला है इसके अंदर। अभी हाल ही में $5 चल रहा है, अभी वीडियो बनाने से जब मैंने बनाना शुरू करा था तब ये 4.9 के अप्रोक्स डॉलर चल रहा था। देख सकते हैं आप कितने लोगों की वॉच लिस्ट में, 11,72,000 लोगों की वॉच लिस्ट के अंदर आया हुआ है। आप इसका देखें मार्केट कैप एंड ऑल सब अच्छा है, आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे कि वन मंथ में जिसने हाई लगाया है वो अप्रोक्स $8.5 का लगाया है, और $2 से सीधा $8.5 तक गया था, तो कुछ करेक्शन बनता है, और BTC की वजह से भी इसमें कुछ करेक्शन आया। अभी हम इसका चार्ट देखते हैं वन मंथ का, आप चार्ट देख सकते हो ये बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पर आ रखा है हल्का सा, जैसे ये आपको $4.8 से लेकर के $5 तक अगर मिलता है, बेसिकली भी 5 तो चल ही रहा है, बट अगर यहाँ से आप एक्यूमुलेट करते हैं तो आप इसको धीरे धीरे शॉर्ट टर्म में आप इसके लिए एक्यूमुलेट करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसके लिए आपको बाय क्या करना है, वैसे $4.8 से $5 भी बाय कर सकते हो, बट जो अच्छा बाइंग जोन है वो इसका $4.5 रहेगा, $4.5 से $4.75 तक आप इसको एक्यूमुलेट करें, तो ईजिली आपको फिर टारगेट है इसका जो 6.8 से लेकर के जो 7.5 का रहेगा उसमें आपको ईजिली बेनिफिट देके चले जाएगा। अगला कॉइन रहेगा हमारा दोस्तों, उसका नाम है FTM। FTM मैं किस लिए बता रहा हूँ, FTM मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपने फिलहाल ही में देखा होगा इसने बहुत तेज़ पंप लिया, हालांकि ये डेफी कॉइन है बट ये बहुत अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। देखिए आप सैंड कॉइन से भी ज़्यादा लोग, सैंड कॉइन की तरह तो लिस्ट में नहीं है, वॉच लिस्ट में 4,46,000 लोगों की वॉच लिस्ट में है ये भी कॉइन। आप देख सकते हैं 12% ये डाउन है, अभी इसका $1.63 पे इसने रिकवरी दिखाई है, 24 आवर में 1.35 का इसका लो है। तो अभी जब BTC एंड ऑल इजा डंप हुआ तो ये इजीली डंप हो गया, वरना ये $2 पे इजीली ट्रेड कर रहा था, अप्रोक्स आपके 25 से 40% डाउन में चल रहा है। वन मंथ में देखे तो ये अभी वन मंथ के अपने बिल्कुल सपोर्ट जोन पे चल रहा है, वन मंथ में जिसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, ये एक अच्छा मौका है इसको पिक करने का, आप इसको इजीली पिक कर सकते हैं।
आप इसको देखिए कितना रेड जोन में चल रहा है और ये ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया 1 ईयर के अंदर, अभी बिल्कुल सपोर्ट जोन पे है। मैं खुद इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, अपने को अपने जो डॉलर्स हैं वो इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। आप इसमें मार्केट कैप देखेंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम इसमें 28% तक इंक्रीज़ हुआ है। मतलब आने वाले टाइम में ईजिली आपको 2x बेनिफिट देके चला जाएगा, पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूँ। दिसंबर के एंड तक ये ईजिली 2x प्रॉफिट देके जाएगा, आप बात मान के रखो मेरी। 75 से 100% तक के परसेंटेज का पंप लेने वाला है जैसी मार्केट एंड थोड़ा सा भी रिकवर होता है तो। और जो हमारा थर्ड कॉइन रहेगा वो रहेगा एल्गोरेंड। एल्गोरेंड में किस लिए बता रहा हूँ, ये भी एक बहुत अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अभी थोड़ा मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखिए इसमें ये भी 4,42,000 लोगों की वॉच लिस्ट में है। अब देखेंगे इसका रैंक $18 चल रहा है और ये अभी इसका प्राइस चल रहा है $1.67, जो कि हाल फिलहाल में इसका जो डाउन रहा है $1.6 रहा है, जो कि अपने अभी भी बहुत बॉटम पर है। देखिए अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी कम से कम 75% डाउन चल रहा है। आप इसका चार्ट एंड ऑल देखिए, देखिए अपना जो ऑल टाइम हाई इसने लगाया था $2 के अप्रोक्स, उससे बहुत डाउन चल रहा है। ऑल टाइम हाई इसने वैसे जो अपना ऑल टाइम रहा है हमेशा का, उससे बहुत ही ऊपर चल रहा है। बट 1 ईयर में देखें, 1 मंथ के चार्ट में देखेंगे आप तो ईजिली आपको देखने को मिल जाएगा अभी अपने सब पूरे रेड जोन में और सपोर्ट लेवल पर बहुत अच्छे है। तो आपका जो थर्ड कॉइन रहेगा वो एल्गो हो गया, और जो इसका अगला रहेगा वो रहेगा हमारा अवेक्स। दोस्तों मैं अवेक्स जो एवालॉन्च है, मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, आप जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम रिकमेंड करा था तभी इस कॉइन का प्राइस चल रहा था ओनली $25 पे। मैंने अपने टेलीग्राम में, जब मैं यूट्यूब चैनल नहीं था मेरा तब मैंने इसको रिकमेंड करा था ओनली $25 पे। पर्सनली भी मैंने लोगों को बहुत सजेस्ट करा उस टाइम पे, मेरा VIP चैनल था तो मैं उसमें भी सजेस्ट करता था लोगों को स्पॉट में बाय करने को। तो लोगों से पेशेंस तो होता नहीं है, बट इस मार्केट में पेशेंस, अगर आप क्रिप्टो में अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं अच्छे से, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैंने सबको कहा था कि आप 20 से 25 डॉलर की रेंज में इसको बाय करके रखो। इवन मैंने सबको पर्सनली मैसेज करके बोला कि बाय करो, बट किसी ने बाय नहीं करा। एक बंदा था जिसने बाय करा और वो बाय करके भूल गया, उसको पता नहीं था कि मेरे पास अवेक्स टोकन भी है। उस जब ये $135 के अप्रोक्स चल रहा था तब उसको याद आया कि हाँ मेरे पास अवेक्स टोकन भी है, जुनेद भाई ने बाय कराया था टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप देख सकते हैं कि अब ये $82 पे चल रहा है, बहुत लो पे चल रहा है ये अपने। आप देखेंगे इसका 1 मंथ में $146 का इसका ऑल टाइम हाई रहा है, जिससे कि ये बिल्कुल बॉटम पर मिल रहा है। अभी आप $77 का लो था, आप मैं इजीली कह रहा हूँ, इसमें भी आपको 50% तक की ग्रोथ इजीली देखने को मिल जाएगी दिसंबर मंथ में। आप इसको पिक करके जरूर रखिए, जैसे BTC अपना स्टेबल पॉइंट पे आता है 42 से लेकर के 46 के 47 के रेंज में, अगर BTC स्टेबल रहता है तब भी आपको इजीली 50% तक प्रॉफिट दे जाएगा। और अगर BTC $60 चला जाता है तब तो ये दोस्तों अपना ऑल टाइम हाई फिर दोबारा से ब्रेक कर जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो में इसको ज़रूर रखिए। और जो हमारा नेक्स्ट कॉइन होगा, जो लास्ट है हमारा इस मंथ का, वो रहेगा हमारा AR, आप देख सकते हैं AR मैं आपको किस लिए सजेस्ट करूँ, ये भी एक बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, जैसे सोलाना ब्लॉकचेन पर है ये NFT में भी है और मेटावर्स में भी है। आप इसको देख सकते हैं, इसका जो आप देखेंगे 1 मंथ जो देखेंगे आप इसका, ये 1 मंथ का इसका जो ऑल टाइम हाई रहा है वो $85 रहा है। अभी $38 पर अप्रॉक्स 50% डाउन पे मिल रहा है आपको। आप इजीली इसको पिक कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में इजी रख सकते हैं, इसमें भी आपको 50 to 60% की ग्रोथ मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के top 5 कॉइन, जो कि आपको दिसंबर मंथ में इजीली 50 to 100% का प्रॉफिट दे जाएंगे। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं अपने 2020 की top 10 कॉइंस बताऊंगा तो, और इंडियन कॉइंस बताऊंगा तो। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपडेट रहना, मेरी वीडियो का वेट करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर चैनल को। तो चलिए चलते हैं वापस से अपने कैमरे की ओर। दोस्तों देखा आपने, अभी मैंने आपको अपने top 5 कॉइन्स बताए जो आपको दिसंबर मंथ में इजीली 50-60% का प्रॉफिट दे जाएंगे, 100% तक का प्रॉफिट देंगे। दोस्तों ये कॉइन वो है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इसमें आपको लॉस होने के सिर्फ 10% चांस है, प्रॉफिट होने के 90% चांस। अगर यहाँ से मार्केट रिकवर करता है तो ये बहुत तेज हाईली पंप करने वाले कॉइन्स है। ऐसा नहीं है कि जो इनका मार्केट कैप कम हो या फिर इनका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स मैंने बताए जिनमें आपको लॉस होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। अगर मार्केट डंप रहे होता है तो सडनली बात एक अलग बात है। जैसे कि अभी मार्केट में बहुत न्यूज आ रही है, पैनिक न्यूज निकल रखी है। अभी हम चार्ट एनालाइज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि चार्ट एनालाइज जो हमारा FATA वगैरह वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बिकॉज अब भी मार्केट में पैनिक न्यूज है। जैसे कि आपने फिलहाल में देखा इंडिया में इंटरनेशनल एक्सचेंज बैन करने की न्यूज आई, ओमिक्रॉन की न्यूज आई। अब भी जो पूरा मार्केट है वो डिपेंड करता है
DJI पर, जो हमारा अमेरिकन स्टॉक मार्केट है, जैसे ही उसका वो निकलता है कि वो अपना डाउन ट्रेंड में रहेगा या अप ट्रेंड में रहेगा, अगर जैसे अगर उसकी रेड कैंडल बनती है तो मार्केट और भी डंप लेने वाला है। BTC आपको 35 से 36 डॉलर के रेंज में देखने को मिल जाएगा, बट एक अच्छा सपोर्ट जोन है इसका 42,000 पर और अभी 46,000 को ये मेंटेन कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने दिसंबर मंथ के, तो मैंने बता दिया, अपने जनवरी मंथ के, जनवरी से लेकर के 2020 के एंड तक के प्रॉफिट देने वाले जो आपको माला माल कर देंगे ऐसे 10 कॉइन। और जो हमारे इंडियन एक्सचेंज, अगर हमारे जो इंडियन एक्सचेंज कहें या फिर इंडियन कॉइन्स कहें, अगर इंडिया में रेगुलेट हो जाता है क्रिप्टो रेगुलेट, तो वैसे होने को बैन होने को नहीं है, बट अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज बंद हो जाते तो इंटरनेशनल एक्सचेंज का क्या स्टेप होगा, और ऐसे कॉइन कौन से होंगे जो आपको इजिली 10x 20x प्रॉफिट, इवन मोर देन 100x का प्रॉफिट दे सकते हैं। तो मैंने ये थे जो मैंने बताया अभी आपको कॉइन से, मैं आगे भी बताऊंगा। फिलहाल ही मैं आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी कि कौन से ऐसे कॉइन है। वीडियो इसलिए नहीं बता रहा मैं क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में अपडेट करूंगा आपको और मैं बता दूंगा। जो मैंने पिछली कॉइन्स बताए पिछली दो वीडियो में, उसमें अपने कुछ ने 10% की ग्रोथ ली, किसी ने 50%, किसी ने 20%, इवन मेरा भी एक साइड में ओपन लॉन्ग ओपन था जिसमें मेरे को 100% का प्रॉफिट हो रहा था, बट मैंने प्रॉफिट बुक नहीं करा, काम में बिजी था इसलिए ना ऐसा लगाया, तो उसमें अभी मैं लॉस में चल रहा हूँ। इवन मेरा 350% के अप्रोक्स था लॉस, फिर भी मैंने बहुत रिकवर कर लिया अपना DCA करके, तो अभी मैं फिलहाल ही मैं उसमें प्रॉफिट में चल रहा हूँ DCA करने के बाद। तो गाइज जो मैंने कॉइन्स बताया आप उनको होल्ड करो, पैनिक मत हो इस मार्केट में, ये जो मार्केट है बहुत बड़ा पंप लेने वाला है, ये आपको इसलिए दिख रहा है ऐसा आपको डराया जा रहा है ताकि आप इस मार्केट से एग्जिट करें। बड़ी बड़ी वेल्स जो हैं आपको छोटे छोटे ट्रेडर्स को, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को इसमें खा जाएंगे। आप नए बंदे हो, अगर नए हो तो आपको बहुत पैनिक लग रहा होगा, आप प्लीज सेल मत करिए, होल्ड करिए। अगर सेल करना होगा मैं आपको खुद अपडेट कर दूंगा कब सेल करना है। इवन मैंने भी अपना पोर्टफोलियो पूरा होल्ड करा हुआ है, मैं भी सेल नहीं कर रहा हूँ, मैंने और DCA कराया। अगर आपके पास अमाउंट है तो आप DCA करिए, आप DCA करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत ही बूस्ट अप लेगा। अगर जब पंप होगा, BTC जैसे स्टेबल होगा, तो मार्केट बहुत बूस्ट अप लेने वाला है। और बात ले हम जान लें कि जैसे कि मैंने पोलकर बताया था, इवन 0.26 डॉलर से लेकर के 0.3 डॉलर के अप्रोक्स बताया था, बट वो भी 0.15 to 16 डॉलर के अप्रोक्स चल रहा है। और एटलस मैंने 19 डॉलर पे बता रहे 0.19 डॉलर पे, और वो चल रहा है अभी 0.11 डॉलर के आसपास, तो बहुत लॉस है इसमें। मैंने भी इवन अपने 100 डॉलर अपने इन्वेस्ट करे हुए थे, इसलिए मैं कहता हूँ अपना पूरा पोर्टफोलियो है कि कॉइन में इन्वेस्ट ना करें, थोड़े थोड़े आप अपने पोर्टफोलियो को बांटे, थोड़े थोड़े कॉइन्स में करिए, डाइवर्सिफाई करिए अपने पोर्टफोलियो को। मैंने भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करा हुआ है, इसलिए मेरे को ज्यादा ज्यादा 20% का लॉस दिखा रहा है और मेरा पोर्टफोलियो डाउन नहीं है। और इवन मोर देन मेरे पास कमेंट आ रहे, मेरे पास आप टेलीग्राम पर अपडेट ग्रुप से आ रही थी, किसी का 50%, किसी का 60% पोर्टफोलियो डाउन है, क्योंकि किसी ने एक ही कॉइन में इन्वेस्ट कर रहा था, किसी ने सिर्फ दो कॉइन में इन्वेस्ट कर रहा था। आप छोटे ट्रेडर हो, मानता हूं अगर आप 10,000 भी इन्वेस्ट करते हो तो मैं नहीं कहता कि आप 10 के 10 कॉइन में इन्वेस्ट करिए, मैं कहता हूँ आप 3 से 3 कॉइन में इन्वेस्ट करिए, 4 कॉइन में इन्वेस्ट करिए। हालांकि मैंने भी जब मैं था तो मैं 10 के 10 एक ही कॉइन में इन्वेस्ट करता था, जिसकी वजह से लॉस हुआ है बहुत ज्यादा। 10 में इवन 50,000 मैंने ऐसे ही गंवाए हैं, अपने 3-4 बार डिपॉजिट करे, फिर भी गए, अब मेरा बहुत अच्छा पोर्टफोलियो। मैं आपको बता दूं आपको कैसे मैनेज करना होगा, इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, डोंट वरी, आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मेरे यूट्यूब पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाइए ताकि लोगों को इस मार्केट में पैनिक माहौल में किस तरह से स्टेबल करना है अपने आप को और किस तरह से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है वो सीख सके। थैंक यू वेरी मच।